सो या हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार कैसे हैं आप लोग, होप सो सभी अच्छे होंगे। तो आप जैसा कि आप जानते ही हैं यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कट ऑफ आने ही वाली है। 1 अक्टूबर को डेट आ चुकी है आपकी, फर्स्ट कट ऑफ 1 अक्टूबर को ही आ जाएगी, शायद रात तक ही आ जाएगी। तो आप सबको कैसे चेक करनी है वो कट ऑफ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि यार मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कि भैया मुझे एक PDF आती है, उसमें मैं देख के डर जाता हूँ कि उसमें बहुत सारे कॉलेजेस लिखे होते हैं, कट ऑफ वगैरह लिखी होती है, परसेंटेजेस वगैरह लिखी होती है, तो वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो एक बार आप मुझे उसे बता दो। तो उसके लिए यार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, मैं इसमें आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपको कैसे कॉलेजेस अपने सेलेक्ट करने होते हैं उसमें, लाइक आपको कैसे अपना कॉलेज देखना है, आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस में आपको कैसी परसेंटेज मिलेगी, क्या आपको कोर्स मिलेगा, कैसे आपको चेक करना होता है सब। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। एंड यार प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा यार मुझे भी हेल्प करो ग्रो करने में। एंड यस प्लीज लाइक दिस वीडियो एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो। एंड यस आपको ये वीडियो पूरी ही देखनी चाहिए, क्योंकि यार इसमें आपको पूरी क्लैरिटी होने वाली है कि आपको मतलब कैसे यार चेक करने हैं कॉलेजेस अपने, कि मतलब जब वो PDF आती है ना यार बड़ी सी, उसमें सारी कट ऑफ वगैरह लिखी होती है। मैं भी बड़ा कंफ्यूज हुआ था जब मैंने अपने टाइम पे सब कुछ सारी कट ऑफ अपनी चेक की थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम पे। तो मैं अब आपको गाइड करने वाला हूँ कि यार आपको कैसे अपने कॉलेजेस देखने हैं, उसमें कैसे आपकी आपकी परसेंटेज आएंगी, उसमें कैसे आपको सब कुछ देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो का एंड तक देखना मत भूलना। एंड यस प्लीज लाइक दिस वीडियो एट द एंड, अगर आपको जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो। चलिए शुरू करते हैं। तो यार आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गूगल क्रोम, यहाँ मैं आपको सर्च करने वाला हूँ DU कट ऑफ 2020, क्योंकि यार 2021 की कट ऑफ अभी आई नहीं है, तो हम ये ऑफिशियल वेबसाइट पे 2020 की मतलब लास्ट ईयर की चेक करते हैं कट ऑफ। एक आपको मैं आइडिया देने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको कैसे चेक करनी होती है। ये आपका एडमिशन पोर्टल, PG पोर्टल, ये सब खुला हुआ है। तो आपको यार बिल्कुल जस्ट नीचे जाना है क्योंकि आपकी कट ऑफ स्टार्टिंग में ही आ जाती है। तो मैं यहाँ आपके लिए यार कोई भी कट ऑफ खोल लेता हूँ, ये हमारी फर्स्ट कट ऑफ है। तो फर्स्ट कट ऑफ जैसे कि मैंने साइंस पे क्लिक किया, एंड आपको यार मैं बता दूँ 2021 की कट ऑफ भी ऐसे ही आने वाली है। आप साइट पे लॉगिन करेंगे, आपको पोर्टल पे अपने लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा यहीं पर आपको मतलब दिख जाएंगी नोटिफिकेशंस में कि आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की, तो आपको साइट में ही दिख जाएंगी। तो यार ऐसा कुछ हमारा आता है जब हम कट ऑफ खोलते हैं, तो लेफ्ट साइड में बिल्कुल दिख रहा होगा आपको नेम ऑफ कॉलेजेस लिखे हुए हैं। तो यार यहाँ आपको सारे कॉलेजेस के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। एंड यस देन है आपका कैटेगरी लिखी हुई है यहाँ पे, कैटेगरी में आपकी ये जनरल है, OBC, SC, ST ये सब लिखा होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलता है, अनरिजर्व सीट्स भी रहती है जनरल वालों के लिए। तो और ये बाकी राइट में आपके सारे कोर्सेज लिखे हुए हैं, BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, BSc एंथ्रोपोलॉजी, BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, ये सारे आपके कोर्सेज हैं। एंड देन इनके नीचे आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है कि आपको इतने कट ऑफ मतलब इतनी मिनिमम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए तभी आपको इस कोर्स में और इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो यार जैसे कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो साइंस स्टूडेंट के लिए मैं बताता हूँ, जैसे मुझे करनी है मान लो मुझे लाइक BSc जूलॉजी करनी है, तो यार मैं पहले जाऊंगा BSc जूलॉजी के सेक्शन पे, थोड़ा राइट 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 और राइट राइट, ये रहा हमारा BSc जूलॉजी का सेक्शन। तो यार हमें इसमें देखना क्या है कि आपको अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने कोई कॉलेजेस पहले से ही सेलेक्ट कर रखे हैं अपने कि आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए, तो आपको पहले वो कॉलेजेस जाकर देखने हैं। जैसे कि आपने यार काफी फेमस कॉलेज में आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपने रामजस कॉलेज देखा है तो आपको आर पे मिलेगा रामजस कॉलेज। तो यार जैसे कि मैंने रामजस कॉलेज का ये सारा खोल लिया है, एंड यहाँ पर हमारी ये सारे आ रहे हैं, एंड ऊपर आपको देखने मिल जाएंगे अभी आपके कोर्सेज वगैरह लिखे होंगे। तो हमें अब देखना है BSc जूलॉजी ऑनर्स का रामजस में कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। तो राइट ये है हमारे BSc जूलॉजी, एंड ये था हमारा रामजस वाला सेक्शन। तो यार इसमें आपको दिख रहा होगा 95 जनरल के लिए है, जो हमारा पहला सेक्शन पहला कॉलम जो बना होता है वो जनरल वालों के लिए है, देन नीचे OBC का होता है, देन SC का होता है, देन ST का होता है, देन PWD का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ।
जैसे कि 95 गया था हमारा जनरल वालों के लिए, देन 94 गया था ओबीसी के लिए, देन 90 गई थी एससी, एंड 86 फॉर एसटी, एंड 86 फॉर पीडब्ल्यूडी। तो यार आपको ऐसे इस ऑर्डर में आपको चेक करनी होगी परसेंटेजेस आपकी, कि आपकी इतनी मिनिमम परसेंटेज है तो यार आपको इस कॉलेज में एडमिशन इजीली मिल सकता है। बस इस वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बताने वाला था, आपको कैसे कॉलेजेस देखने हैं, आपको कैसे कट ऑफ देखनी है, कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ कैसे दिखेंगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो यार प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड यस आगे और भी वीडियोस में आपको बताता रहूंगा, जैसे जैसे कि आपके कट ऑफ्स आ रही हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए। यस कुछ मतलब 2 दिन में आपको एक और वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ कि आपको फर्स्ट कट ऑफ से पहले आपको क्या क्या मतलब करना चाहिए, लाइक आपके प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए, फर्स्ट कट ऑफ से पहले आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रेशर में रहते हैं काफी ज्यादा स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, शेयर करें वीडियो करो अगर वीडियो पसंद आती है तो, एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा गुड बाय गुड बाय।